हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो हाजिर हैं हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आपका फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। देखिएगा स्टूडेंट, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, उसके अंदर से हम ये मानते हैं कि इमेजिनरी लाइन्स एमिट होंगी। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिएगा इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन स्टूडेंट आउटवर्ड होगी। कैसे आउटवर्ड होगी उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। आपने कैसे याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउटवर्ड ही क्यों होंगी, उसका भी एक रीज़न है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जो इमिट होंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब देखिएगा कैसे, देखिएगा हमने यहाँ पे कोई भी ये सोर्स चार्ज लिया है। मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में मैं आपको पहले ही अच्छे से बता चुका हूँ कि सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज का खुद का कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा, और जो सोर्स चार्ज है और जो सोर्स चार्ज स्टूडेंट वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा। अब देखिएगा इससे कुछ दूरी पर, मैंने माने ये जो सोर्स चार्ज है इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर, यहाँ पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज आप जानते हैं यूनिट पॉजिटिव होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज में मेरे पास पॉजिटिव ही है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये इसको अपने से दूर, जो है ना, अपने से दूर कर देगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज दूर होगा तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। पहली बात तो स्टूडेंट हमारे पास ये होगी। देखिएगा आप दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास, देखिएगा ये हमारे पास आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो नेगेटिव चार्ज है उससे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड थी और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड होगी। देखिएगा ये डायरेक्शन है हमारी इनवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज है और इससे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब अगर आपने ये पता करना हो ऐसे क्यों हुआ, तो हम मान लेंगे जैसे हमने पहले सोर्स चार्ज को पॉजिटिव माना था, अब सोर्स चार्ज को हम नेगेटिव मान लेंगे, और इससे r दूरी पर ऐसे ही इसके सेंटर से r दूरी पर हम यहाँ पर वैसे ही टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब देखिए पहले सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव था, अब सोर्स चार्ज हमारा हमने नेगेटिव ले लिया है, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, अपने आप से अंदाज़ा लगाइए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये इसकी तरफ आएगा, तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होंगी उनकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगी। तो उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट वो हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लिख सकते हैं आप टू इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ इनको आप साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, नोट साथ साथ बनाते रहिए तो आपको समझ में आता रहेगा अच्छे से। इंटरसेक्ट ईच अदर, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसा क्यों है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, उसके पीछे का जो है रीज़न क्या है वो देखते हैं हम। देखिएगा स्टूडेंट कि उसने बोला कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक मिनट के लिए इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक सेकंड के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि चलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसा हमने केवल अजूम किया है ताकि हमने जो बोला है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, मान लीजिए स्टूडेंट
ये मेरे पास यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को आप ऐसे सीधा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर्व के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक ए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ऐसे ही बी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ऐसे ही सी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है। हमने माना कि ए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन थी वो मेरे पास ऐसी है, और जो मेरे पास सी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, चलिए मान लिया मैंने ये अब ऐसे है। तो ये देखिए एक दूसरे को, जो ए लाइन थी वो हमारे पास ये है, आप देख रहे होंगे ये है, और ये मेरे पास जो लाइन है वो सी है। बोला हमने एक इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी को प्रूफ करने के लिए मैंने माना कि चलिए इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ स्टूडेंट मैं पी, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अब आप एक हमारे पास मैथमेटिक्स में थ्योरम होगी स्टूडेंट कि जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं तो हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा जो ए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है हमारे पास, ए ये वाली है, तो अगर आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा टेंजेंट, देखिएगा ए के ऊपर टेंजेंट ऐसा होगा। ये जो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करे तो वहाँ पे टेंजेंट होगा, तो ए के ऊपर ये टेंजेंट हुआ। इसी तरीके से सी के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो जब आप सी के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट आपका सी के ऊपर हुआ, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट्स। पी पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट हुए क्योंकि एक टेंजेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ए की वजह से, दूसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन सी की वजह से। एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट के ऊपर तो केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, मैथमेटिक्स की थ्योरम बोलती है, लेकिन यहाँ पर तो एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट हैं। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन मानी थी वो हमारी रॉन्ग थी। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि जो एक पॉइंट, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स स्टूडेंट्स, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की, वो जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ध्यान रखना आपने। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस Always will be perpendicular perpendicular to the charge to the charge। देखिएगा स्टूडेंट, हमेशा perpendicular। जैसे मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आपने बोल दिया यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ड्रा कीजिए, हम ड्रा करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये आपने देखा ना चार्ज के हमेशा ही जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है स्टूडेंट वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज लिया तो इसके भी जो स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे। आपने हमेशा ध्यान रखना है ऐसे परपेंडिकुलर दिखाएंगे कभी भी। अगर पूछ ले कि बताइए आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को ड्रॉ करना है, तो हमेशा आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। हमेशा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री के ऊपर। तो अगर मान लीजिए सरफेस ले नॉर्मल है तो ये हमेशा 90 डिग्री, अगर इसको यहाँ पे माने तो ये 90 डिग्री, ऐसे इसको माने तो ये हमेशा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब स्टूडेंट वो आपका परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद स्टूडेंट, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन में देखने को मिलती है। पूछा जाता है स्टूडेंट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, तो सबसे पहले आप बताएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड होगी, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी, क्यों होगी, वो आप टेस्ट चार्ज के का यूज करते हुए पता कर सकते हैं। उसके बाद ये बताया सॉरी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसको प्रूव करने के लिए हमने ये माना कि चलिए इंटरसेक्ट करेंगी। फिर एक जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो वहाँ पे दो टेंजेंट बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक पॉइंट के ऊपर केवल एक ही टेंजेंट, इसका मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और उसके बाद जो हमने आपको बताया स्टूडेंट कि वो कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स हैं ये आप